ओके सो हलो वेलकम बैक एवरी वन दिस नाउ द ब्यूटीफुल वंडरफुल सर वीडियो आज हम लोग जो है लास्ट क्लास करेंगे सेक्शन 149 का सेक्शन 149 एक बहुत ही बड़ा सेक्शन है जहां पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स डायरेक्टर्स कवर होते हैं एंड सेक्शन 149 आज के इस क्लास के साथ ख़त्म हो जाएगा इसका नोट्स वगैरह है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है ये नोट्स वगैरह जो है ये मैं अपने एप्लीकेशन पर भी जो है शेयर कर दूंगा तो एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कर लेना है ठीक है क्या कर लेना है एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से ओके चलो हम लोग आगे बढ़ेंगे ये हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है लास्ट क्लास हम लोगों ने यहाँ तक देख रखा है अच्छा ये जो है ना लास्ट में मैंने एक पॉइंट पढ़ाना भूल गया था वो लास्ट पॉइंट है ये हिमसेल्फ नॉर ये जो रिक्वायरमेंट uh, है ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का हिमसेल्फ ना ही वो खुद ना ही उसके रिलेटिव अभी या इससे पहले ठीक है तो ये हम लोगों ने कर रखा है इसमें हम लोगों ने लास्ट जो पॉइंट मिस आउट किया ना वो ये वाला पॉइंट है कि हु पॉजेसेज हु पॉजेसेज सच अदर क्वालिफिकेशन एस मे बी प्रिस्क्राइब तो इसका मतलब ये होता है कि अगर फ्यूचर में कंपनी लॉ में ऐसा कोई प्रिस्क्रिप्शन आता है कि चलो आ, जो है ये सारा जो क्वालिफिकेशनस है एडिशनल क्वालिफिकेशन का प्रिस्क्रिप्शन अगर आता है तो अपने को वो भी फॉलो करना होगा एस मे बी प्रिस्क्राइब ठीक है सच आर द क्वालिफिकेशन तो अभी के लिए तो नहीं है अभी के लिए जितने हैं वो मैंने एक्सप्लेन कर रखा है अभी हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स क्या बताओ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ठीक है हम अभी हम लोग देखने वाले हैं नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नंबर ऑफ क्या बताओ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में वो लोगों ने क्या बताया सुनो कि द फॉलोइंग क्लासेस और क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज शेल हैव एटलीस्ट टू डायरेक्टर्स एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एज बताओ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स टू डायरेक्टर्स एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ठीक है कम से कम दो नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने रखने होंगे ये सिम्पल बता दिए बोले कि एटलीस्ट टू डायरेक्टर्स एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब ये सारी जो कंपनीज हैं ना इनको मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखने होंगे वो है टू टू मिनिमम इंडिपेंडेंट क्या है समझ में आ चुका है आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं अच्छा सर ये बता दो कि वो कौन से डायरेक्टर्स है या फिर वो कौन से कंपनीज का रिक्वायरमेंट बता दो सबसे पहले ओके सबसे पहला कि पब्लिक कंपनी हैविंग पेड शेयर कैपिटल टेन करोड़ और मोर उसके बाद पब्लिक कंपनी हैविंग टर्न ओवर वन हंड्रेड करोर रुपीज और मोर लास्ट है पब्लिक कंपनीज विच हैव इन अग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन्स डिबेंचर्स एंड डिपॉजिट्स एक्सीडिंग फिफ्टी करोर रुपीस, ठीक है तो वो सारे पब्लिक कंपनीज़ वो सारे बताओ कौन वो सारे सर वो सारे जो है ना वो सारे सर पब्लिक कंपनी, वो सारे सर पब्लिक कंपनीज, पब्लिक कंपनी, वो सारे पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल है टेन करोर या फिर उससे ज़्यादा एंड टर्नओवर ओवर है 100 करोड़ या फिर उससे या फिर उससे ज्यादा और आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर डिपॉजिट्स ठीक है जो कि है 50 एक्सीडिंग 50 करोड़ रुपीस मतलब 50 करोड़ से ज़्यादा ठीक है 50 करोड़ से ज़्यादा मोर देन 50 करोड़ ठीक है मोर मोर देन 50 करोड़ ये बार बार जो है ऊपर जा रहा है मोर देन 50 करोड़ ठीक है समझ में आ चुका है देखो लास्ट वाला क्या है पब्लिक कंपनीज विच हैव इन अग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर डिपॉजिट्स एक्सीडिंग 50 करोड़ रुपीज तो इस बात का ध्यान रखना कि बाकी के जो दो ऊपर में आ, लिमिट दे रखा है ना उन लिमिट में उन लोगों ने बता रखा है एकदम क्लियर कट बता रखा है कि भाई मेरे सुनो तो यहाँ पे तीनों चीज में एक चीज ध्यान रखना है आपको कि टेन करोड़ रुपीज हंड्रेड करोड़ रुपीज अगर टच हो गया तो आपको रखना होगा दो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड लास्ट में बताए ये वाला जो है ना ये टच करने से नहीं जो कि एक्सीड मतलब फिफ्टी करोड़ रुपीज से अगर ज़्यादा है तभी जाके अगर फिफ्टी करोड़ रुपीज से ज़्यादा आपका आउटस्टैंडिंग लोन है डिबेंचर्स है डिपॉजिट है तभी जाके आपको रखना होगा टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ठीक है द फॉलोइंग क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी शेल हैव एटलीस्ट टू डायरेक्टर्स एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर समझ में आ चुका है अब प्रोवाइडेड दैट में समझे कि हम लोग क्या बता रहे हैं यहाँ पे प्रोवाइडेड दैट सर ओके देखो प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनी सॉरी uh, यहाँ से देखते हैं प्र प्रोवाइड दैट इन केस ऑफ द कंपनी कवर्ड अंडर दिस रूल इज़ रिक्वायर्ड टू अपॉइंट ए हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ड्यू टू कम्पोजिशन ऑफ इट्स ऑडिट कमेटी सच हाइय नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स शेल बी एप्प्लिकेबल टू इट तो यहाँ पर कह रहे कि अगर आपके कंपनी में इससे भी ज़्यादा ठीक है इंडिपेंडेंट uh, डायरेक्टर की ज़रूरत है तो आपको कंप्लाई करना होगा उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आप ज़्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखो ठीक है क्योंकि ऑडिट कमेटी में भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का ज़रूरत होता है तो यहाँ पे मोटा मोटा ये बताया कि अगर कोई कंपनी है ठीक है अगर ऐसा कोई केस हो गया कि किसी किसी कंपनी में और ज़्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के रिक्वायरमेंट है तो उसको फुलफिल करने के लिए आप ज़रूर ज़्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखें विदाउट एनी सेकेंड थाट ठीक है उसके बाद यहाँ पे बताए कि प्रोवाइडेड फर दैट एनी इंटरमिनेट वैकेंसी ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड बी फिल्ड बाय द बोर्ड एट द अर्लीस्ट बट नॉट लेटर दैन द इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और द थ्री मंथ्स फ्रॉम विच द डेट ऑफ वेकेंसी विच एवर इज लेटर तो ये तो हम लोगों ने जो वो uh, वुमेन डायरेक्टर वाला देखा है ना वो सेम टू सेम ये भी सेम ही है वुमेन डायरेक्टर का याद आ रहा है ना कि हम लोगों ने क्या देखा बताओ नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग आपका जब है या फिर थ्री मंथ्स का थ्री मंथ्स अभी तक हुआ नहीं है मतलब एक्सपायर नहीं हुआ है थ्री मंथ्स का जो टाइम लिमिट है ना वो एक्सपायर नहीं हुआ है मतलब थ्री महीने अभी तक हुआ नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर छोड़ के जा चुका है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो जिस दिन छोड़ा है ना उससे तीन महीने अभी तक पूरा हुआ नहीं है तो ये दो टाइम लिमिट बता दी एक तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग या फिर थ्री मंथ एवर इज लेटर कोई दिक्कत वाली बात नहीं लेकिन इन दोनों से लेटर नहीं होना चाहिए ठीक है ये दोनों ये अगर लेट लेटर है थ्री मंथ से लेटर आ रहा है नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में रखो अगर थ्री मंथ्स अगर थ्री मंथ्स लेटर आ रहा है नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग कल है पकड़ लो लेकिन थ्री मंथ्स का तो अभी टाइम लिमिट तो थ्री मंथ्स में रखो लेकिन ये तो टाइम लिमिट ऐसा नहीं होना चाहिए कि बोर्ड मीटिंग भी खत्म हो चुका है थ्री मंथ्स भी खत्म हो चुका है अभी तक आपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखा नहीं है ठीक है ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर रखा है वीमन डायरेक्टर के रिगार्डिंग अभी यहाँ पर देखेंगे हम लोग प्रोवाइडर ऑल्सो दैट वेर कंपनी सीजेज टू फुलफिल एनी ऑफ

ये जो आपका पब्लिक कंपनी इसका टेन करोड़ फिर टर्न uh, ओवर का वन हंड्रेड करोर आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर्स डिपॉजिट्स फिफ्टी करोड़ से ज़्यादा एक्सीड कर रहा है फिफ्टी करोड़ से ज़्यादा तो ये सारे रिक्वायरमेंट ये तीन रिक्वायरमेंट हम लोगों ने देख रहे हैं अभी तो ये जो तीन रिक्वायरमेंट हम लोगों ने देखा है ये कब देखो द फॉलोइंग क्लास ऑफ क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी शेल हैव एटलीस्ट टू डायरेक्टर्स ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स तो अगर ये टच किया पकड़ लो आपका कंपनी है इन तीनों में से ऐसा तो रिक्वायरमेंट नहीं कि तीनों को टच करना होगा तीनों में से किसी एक को टच किया आपने फॉर एग्जाम्पल आपका टच हुआ है कि आपका कंपनी का टर्न हो चुका है वन हंड्रेड करोर कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट आपकी कंपनी का टर्न हो चुका है वन हंड्रेड करोर ठीक है इसके बाद ये है टू थाउजेंड एंड फाइव ठीक है 2005 में आपका कंपनी का टर्नओवर हुआ था पाँच आ, एक एक वन हंड्रेड एंड वन हंड्रेड करोड़ ठीक है एक सौ करोड़ ना ये जो एक सौ करोड़ है ये टू दो में हुआ है इसके बाद दो हज़ार छः में आपका जो टर्न हुआ है ना वो है पचास करोड़ साठ करोड़ सेवेंटी करोड़ ये रहा आपका टर्नओवर तो अगर जिस जिस ईयर टच किया उस ईयर तो आपको फॉलो करना है उसके बाद अगर तीन कन्जिक्यूटिव ईयर में तीन कन्जिक्यूटिव ईयर याद रखना तीन कन्जिक्यूटिव ईयर के ईयर का मतलब होता है एक के बाद एक ईयर जो आ रहा है वो ऐसा नहीं कि तीन कोई भी ईयर छः आठ दस ग्यारह ऐसा नहीं छः के बाद सात सात के बाद आठ तो ये जो तीन कन्ज़िकटिव ईयर है इन तीन कन्जक्यूटिव ईयर में अगर आपका कोई भी ये रिक्वायरमेंट टच नहीं हो रहा है तो उसके बाद से आप स्टॉप कर सकते हो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना तो सर एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 100 करोड़ टच किया है 2005 में 2006 में 50 पचास करोड़ 2007 में साठ करोड़ 2008 में सेवेंटी करोड़ तो वो लोग क्वेश्चन पूछ लेंगे कि 2007 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना ज़रूरी है कि नहीं तो आप आपका आंसर क्या रहेगा आप बताओ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर हाँ हाँ यहाँ पे रखना होगा सर सिक्सटी सिक्सटी है रखना होगा बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर क्यों रखना होगा सिक्सटी है हंड्रेड तो टच किया ही नहीं तो 2007 में क्यों रखेंगे हम लोग तो जो बच्चे बोल रहे हैं ना कि रखना होगा वो करेक्ट है क्यों मैं आपको समझाता हूँ कि दो में हंड्रेड करोड़ टच किया तो उससे के, उसके बाद आपका पूरा फॉलो होता जाएगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बैठेगा कंटिन्यूसली ठीक है किसी भी तीन कन्जिक्यूटिव ईयर में अगर टच नहीं किया कोई भी ये रिक्वायरमेंट टच नहीं किया टर्न ओवर कह लो शेयर कैपिटल कह लो लोन कह लो टच नहीं किया तो अगर तीन कन्जिक्यूटिव ईयर ऐसा हुआ तो उस इस, इसके बाद ये जो चौथा ईयर आएगा तब जाके आप स्टॉप कर दोगे अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना आप बंद कर सकते हो आप बिना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के भी चल सकते हो कंपनी चला सकते हो समझ में आ रहा है तो इसका मतलब ये कि 2005 में अगर टच किया है तो 2006 को रखना होगा सात को रखना होगा आठ को तो रखना ही होगा और 2009 को रखना होगा कि नहीं वो हम लोग चेक करेंगे उसके प्रीवियस प्रेजेंट तो चेक करेंगे कि प्रेजेंट ईयर में टच किया है कि नहीं प्रेजेंट ईयर में टच नहीं किया तो उसके जो प्रीवियस तीन ईयर हैं 2008, 2007, 2006 ये भी चेक करेंगे ये इसमें से कोई भी टच अगर नहीं किया तो 2009 से आप स्टॉप कर सकते हो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कोई दिक्कत वाली बात नहीं ठीक है इसको फिर से करेंगे ये वाला पोर्शन सो so दैट आपके दिल और दिमाग में जो डाउट है वो निकल जाए ये वाला पोर्शन प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट वेर कंपनी सीजेज टू फुलफिल एनी थ्री कंडीशन मतलब सीज हो चुका है ये फुलफिल नहीं कर रहा है सीज का मतलब हो जाना रोक रुक जाना सीज सीज हो चुका है रुक रोक देना ठीक है तो कंपनी रुक चुका है कैसे रुका है फुलफिल करने में एनी ऑफ द थ्री कंडीशन तीन कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करने में इन तीन कंडीशन में से को, कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करने में एनी ऑफ द थ्री कंडीशन फुलफिल करने में रुक चुका है तो एनी ऑफ द थ्री कंडीशन ले डाउन बाई सबरुल वन ये वाला है सबरुल वन फॉर थ्री कन्जिक्यूटिव ईयर ध्यान रखना ऐसा नहीं कि थ्री ईयर थ्री कन्जिक्यूटिव ईयर इसका मतलब यह कि दो हज़ार पाँच दो हज़ार छः दो हज़ार सात दो हज़ार आठ दो हज़ार नौ दो हज़ार दस पकड़ लो 2005 में 100 करोड़ टच किया तो आपने रख दिया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पकड़ लो 2006 में 50 करोड़ 2007 में 110 करोड़ 2008 में 20 करोड़ 2009 में 30 करोड़ 2010 में 2010 में आ, जो है आपका अभी क्वेश्चन है ये कि 2010 में हम लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखेंगे कि नहीं रखेंगे तो आप लोग सोचोगे कि सर तीन साल तो तीन साल देखना होता है ना सर तो सर प्रीवियस तीन साल में ना देखो सर मैं आपको दिखाता हूँ सर अभी दिखाता हूँ सर देखो सर पिछले जो तीन साल है ना यहाँ पे सर पिछले तीन सालों में जैसे कि ये 2006 में 50 करोड़ कमाया ठीक है टर्नओवर है 50 करोड़ का टर्नओवर है ये एक साल हो चुका है साथ में तो सर ज़्यादा ही कमाया दो एक करोड़ जो कि टच हो जाता है अपना टर्न का लेकिन सर कोई टेंशन वाली बात नहीं है 2008 में 20 करोड़ 2009 में 30 करोड़ सर तो ये तीन साल हो चुके हैं ना वन टू थ्री तो 2010 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखेंगे कि नहीं रखेंगे बता दो फटाफट अभी के अभी कमेंट सेक्शन में बताओ अगर बहुत मतलब पार्टिसिपेट करने का मन है तो पार्टिसिपेट ज़्यादा बच्चे नहीं करते क्यों पता है क्योंकि ज़्यादा बच्चे पास भी तो नहीं करते भाई मेरे हाँ सही बात है तो पास करने वाले बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं यही सिंपल चीज़ है सिंपल लॉजिक है आप सोचोगे कि यार मैं तो ज्ञानी हूँ मेरे को सब कुछ पता है पता है अच्छी बात है लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत कभी भी प्रैक्टिस करना जो है बंद नहीं करना चाहिए तो कहीं पर भी मौका मिले तो अपने आप को प्रूव करो प्रैक्टिस करो इससे आपका अच्छा रहेगा बहुत सारे बच्चों का ईगोइस्टिक हो जाता है कि यार ये तो पता है मुझे सर ने तो एक्सप्लेन कर रखा है मेरे को पता है मैं नहीं आंसर करूँगा तो उनका क्या हो जाता है ना वो अपने आप को प्राइवेट रखते तो प्राइवेट रखने से नहीं होता कंपीट करो कभी भी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ तो उसका आंसर देने की कोशिश करो तो यहाँ पर देखो क्या है तो देख आंसर है कि रखेंगे कि नहीं रखेंगे आंसर है नहीं रखेंगे हाँ जी नहीं रखेंगे रखना है क्यों सर आपने तो कहा था कि पिछले तीन साल में अगर टच नहीं किया तो ठीक है लेकिन मैंने कंगजीक्यूटिव भी तो कहा था ये कंगजीक्यूटिव कहाँ एक के बाद एक कहा है बीच में तो साथ में तो 110 करोड़ का कमाया ही है ठीक है तो ये कंजीक्यूटिव नहीं हुआ ना तो बीच में तो 2007 में 110 करोड़ हुआ है तो कन्जिक्यूटि एक के बाद एक होना चाहिए था ना सिंपल चीज़ है सिंपल लॉजिक की तरफ सिंपल uh, लॉजिक से आप लोग समझ चुके हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर बहुत ही ज़्यादा बवाल ठीक है तो थ्री कंजीक्यूटिव यर इट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद दिस प्रोविजन अनटिल सच टाइम एज इट मीट्स एनी ऑफ सच कंडीशन अनटिल सच टाइम मतलब जब तक कि ना ये वो ऐसा समय आए जिस दिन ये फिर से दोबारा टच कर रहा हो ये तीन कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन तब तक के लिए आप नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लाई ऑल दिस कंडीशन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का कंडीशन नॉट रिक्वायर्ड नॉट रिक्वायर्ड नॉट रिक्वायर्ड समझ में आ चुका है सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? आगे बढ़ो सर <coughs> उसके बाद है पॉइंट नंबर सेवन कहता है कि एवरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शेल एट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड इन विच ही पार्टिसिट द डायरेक्टर एंड देर आफ्ट देर आफ्टर एट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड इन इन एवरी फिनेंशियल ईयर वेर एवर देर इज एनी चेंज इन द सर्कमस्टैंस विच मे अफेक्ट स्टेटस एज एन इंडिपेंडें डायरेक्टर गिव अ डिक्लेरेशन दट ही मीथ ए क्राइटोरिया इंडिपेंडेंस एज प्रोवाइड ठीक है इसका मतलब क्या कि दो समय पर साल में दो टाइम ऐसे टाइम आएंगे वैसे तो जब कभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा जो ये इंडिपेंडेंस है ना ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कहा जा रहा है सुनो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कहा जा रहा है कि तुमको जब कभी भी लगे कि तुम्हारा इंडिपेंडेंस जो है ना अभी नहीं है तुम पहले इंडिपेंडेंट थे लेकिन अभी इंडिपेंडेंट नहीं हो तो तुम बता दो तो कब बताना है वो यहाँ पर लिख के रखा है कि साल का पहला फर्स्ट मीटिंग जब भी होता है ठीक है फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड ठीक है जहां पे तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो एज अ डायरेक्टर एंड देयर आफ्टर एट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड इन एवरी फिनेंशियल ईयर वेदर देर इज एनी चेंज इन द सर्कमस्टेंसेस चेंज है नहीं है तुम्हारे इंडिपेंडेंस के स्टेटस के रिगार्डिंग तो वो बता दो ठीक है अब डिक्लेरेशन दे दो जब देखो एवरी ईयर स्टार्टिंग में तुमको देखो जिस ईयर तुम अपॉइंट हो रहे हो पहली बार मीटिंग है तो उसमें तो तुमको बताना ही होगा कि हम इंडिपेंडेंट है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हम एकदम प्योर इंडिपेंडेंट वेज वाले बंदे हैं और एवरी फिनेशियल ईयर का सूच स्टार्टिंग है तब भी आपको बता देना होगा ठीक है कि चलो ठीक है हम जो है देखो ना एवरी फर्स्ट फर्स्ट यहाँ पे देर आफ्टर फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड इन एवरी फिनेंशियल ईयर ठीक है एक तो पहली बार जब आप मीटिंग के लिए बैठ रहे हो दूसरा है फर्स्ट फिनंशियल ईयर में एवरी ईयर तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर रहता है ना तो तब एक्सप्लेनेशन में देखो क्या बताया कि फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन नॉमिनी डायरेक्टर अ डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाई एनी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन पर्सवेंस ऑफ प्रोविजन लॉ फॉर द टाइम और एनी एग्रीमेंट और अपॉइंटेड बाई पर्सन टू रिप्रेजेंट इट्स इंटरेस्ट ठीक है अच्छा ये नॉमिनी डायरेक्टर के बारे में बताया कि नॉमिनी डायरेक्टर अभी इस जगह पे नॉमिनी डायरेक्टर पढ़ना इज नॉट रिक्वायर्ड ठीक है हम लोग आगे जाके देखेंगे नॉमिट डायरेक्टर तो तब जाके सेंस बनेगा ये देखो पॉइंट नंबर एट द कंपनी एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स शेल अबाइड बाय द प्रोविजन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल बताओ कितना शेड्यूल फोर तो शेड्यूल फोर में जो कुछ भी लिखा है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को फॉलो करना होगा अलॉन्ग विद द कंपनी कंपनी और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को फॉलो करना होगा क्या ये समझ में आ चुका है हाँ सर उसके बाद बताओ Notwithstanding anything contained in in any other provisions of this Act, but subject to the provisions section 197 and 198, an independent director shall not be entitled to any stock option, and may receive remuneration by way of fee provided under subsection 5 of section 197, reimburse of expenses for participation in the board and other meetings, and profit related com commissions as may be approved by the member. So, this simple thing, I tell you in one line that you have employee stock option. वो आपको नहीं मिलने वाला स्टॉक आपने बहुत अच्छा काम किया है उसके लिए आपको स्टॉक दिया जा रहा है कंपनी के शेयर्स दिया जा रहा है ये तो कंपनी के एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है अब आप कहोगे कि सर एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है तो इंडिपेंडेंट एक्टर भी तो एम्प्लॉय है उसको क्यों नहीं दिया जा रहा है सर उसको इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट उसका ब्रीच हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा क्यों सर क्योंकि कंपनी उसको जैसे कंपनीज को घूस भी तो दे सकता है कह सकते हैं ना मैं तेरे को स्टॉक ऑप्शन दूंगा अच्छा खासा तू हमारे लिए काम कर मैं जैसे जैसे कहता हूँ वैसे वैसे कर समझ में आ रहा है इसलिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कोई स्टॉक ऑप्शन नहीं मिलता ठीक है बेसिक रेमरेशन मिलता है और सिटिंग फीस मिलता है जो भी बैठने मतलब मीटिंग अटेंड करते हो कोई भी एक्सपेंस हो रहा है आपका तो वो रिमबर्स हो जाता है कमीशन वगैरह मिलता है आपको लेकिन आपके आपका जो आ, काम है उसके ऊपर आपको फीस कमीशन्स मिलेंगे ऐसा नहीं होना होना चाहिए कि अलग से स्टॉक ऑप्शन आपको आपने बहुत अच्छा काम किया इसलिए आपको स्टॉक ऑप्शन दिया जाता है ऐसा नहीं होना चाहिए वो एम्प्लॉयज़ को इंक्रेज करने के लिए दिया जाता है ठीक है ना तो आपके साथ कोई रिलेशन नहीं आप इंडिपेंडेंट हो आपको इनकरेज वगैरह कुछ नहीं करना है हमें ठीक है

तो शेड्यूल फ़ाइव के तहत जो भी प्रोसेस लिखा होगा उसके हिसाब से आप दे सकते हो एक्सक्लूसिव ऑफ एनी फीस ठीक है मतलब आप पैसे नहीं दे पा रहे हो फीस नहीं दे पा रहे हो एग्जैक्ट मनी नहीं दे पा रहे हो लेकिन उसके अलावा जो भी हो सकता है शेड्यूल फाइव में लिखा है उसके हिसाब से आप दे सकते हो कोई टेंशन वाली बात नहीं है ठीक है तो उसके लिए अलग से पूरा रूल्स वगैरह है तो वो यहाँ पर मैंशन नहीं है तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सेक्शन वन फोटी नाइन जहाँ पर जितना कराया जा रहा है उतना ही करेंगे हम लोग ठीक है उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे और भी बहुत कुछ है करने लायक टेंशन मत लो ये सब सेक्शन टेन क्या कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन वन फिफ्टी टू एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म अप टू फाइव कंजीक्यूटिव ईयर ऑन द बोर्ड ऑफ द कंपनी बट शैल बी एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट ऑन पासिंग स्पेशल द कंपनी एंड डिस्कलोजर ऑफ सच अपॉइंटमेंट इन द बोर्ड वैसे तो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पाँच कंजीक्यूटिव ईयर के लिए बैठता है लेकिन क्या उसका री अपॉइंटमेंट हो सकता है आंसर है ये कैसे हो सकता है आपको पास करना होगा स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब 75 फाइव परसेंट ऑफ द वोट अगर यस yes, है कंपनी में कंपनी के मेंबर्स जो है कंपनी के शेयर होल्डर्स जो है वो अगर 75 फाइव परसेंट शेयर होल्डर्स अगर यस yes, कह रहे हैं तब जाके आपका अपॉइंटमेंट हो सकता है कोई टेंशन वाली बात नहीं री अपॉइंटमेंट हो सकता है इंडिपेंडेंट सेम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रख सकते हो अगेन नेक्स्ट नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्स ऑफ सेक्शन टेन मतलब ये वाला नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शेल होल्ड ऑफिस फॉर मोर दैन टू कंजिक्यूटिव टर्म इसका मतलब ये होता है कि एक टर्म में ना फाइव ईयर रहता है तो एक्सपायर हो चुका है फाइव ईयर उसके बाद क्या आपका री अपॉइंटमेंट हो सकता है आंसर है येस। री अपॉइंट होके फिर और एक टर्म के लिए आप बैठोगे फाइव ईयर लेकिन अगर ये जो दो टर्म हो चुका है ना फाइव ईयर फाइव ईयर का उसके बाद दोबारा से री अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता दो बार बैठ चुके हो आराम से अब चिल करो रिलैक्स करो थोड़ा ठीक है इसके बाद फिर फिर क्या सर हम लोग जीवन में भी कभी भी पकड़ लो राम था एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसी भी कंपनी में उसने एक टर्म के लिए काम किया एक टर्म मतलब पाँच साल के लिए उसके बाद उसका रीअपॉइंटमेंट हुआ दोबारा एक टर्म के लिए पाँच साल के लिए उसके बाद क्या सर उसका कभी भी इस कंपनी के साथ और काम नहीं कर सकता है क्या काम कर सकता है लेकिन एक्सपायरी ऑफ थ्री इयर्स ये जो टोटल टेन इयर्स हो चुके है ना दो टर्म खत्म हो चुके हैं इसके बाद थ्री इयर्स का कूलिंग पीरियड रहेगा इसको कहा जाता है कूलिंग पीरियड ठीक है ड ठीक है ये कूल डाउन होगा तीन साल के लिए उसके बाद फिर से जाके तुम अपॉइंट हो सकते हो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर यहां पे कहां लिखा है ये सब दिखाओ देखो नॉट विथ स्टैंडिंग एन सेक्शन टेन नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शेल होल्ड ऑफिस फॉर मोर देन टू कंजिक्यूटिव टर्म बट सच एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शेल बी इलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ थ्री ईय ऑफ सीजिंग टू बिकम एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो तीन साल बाद हो सकता है ठीक है उसके बाद प्रोवाइडेड दैट इन इंडिपेंडेंटें डायरेक्टर शेल नॉट ड्यूरिंग द सेट पीरियड ऑफ थ्री ईयर्स भी अपॉइंटेड इन और बी एसोसिएटेड विद द कंपनी इन एनी अदर कैपैसिटी इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मतलब ये है कि ये तीन साल का कूलिंग पीरियड है ना इस कूलिंग पीरियड के दौरान आप कंपनी के साथ किसी भी प्रकार का एसोसिएशन नहीं रखोगे किसी भी कैपैसिटी में एसोसिएशन नहीं रखोगे ना तो हेल्प करोगे ना कुछ भी डायरेक्टली इंडायरेक्टली कहीं भी नहीं अगर रख रहे हो कोई भी किसी प्रकार का लिंक है कंपनी के साथ कोई भी किसी प्रकार का ट्रांजेक्शन है तो भैया आपका री अपॉइंटमेंट जो है वो हो नहीं सकता मतलब री अपॉइंटमेंट नहीं मतलब री अपॉइंटमेंट के बाद जो कूलिंग पीरियड के बाद फिर से अगर आपको बैठने के इरादा है मन है तो नहीं बैठ सकते आप सिंपल चीज़ फिर सप्शन ट्वेल्व बता रहे कि नॉट विथ्स एनी एनथिंग कंडेन इन दिस एक्ट एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नॉट बींग अ प्रोमोटर और की मन पर्सनल शेड बी हेल्ड लाइबल ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एक्ट्स और ओमिशंस और कमीशन्स बाय द कंपनी विच हैड ऑकर्ड इन हिज नॉलेज अगर लो कोई भी किसी प्रकार का घोटाला हो चुका है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या उसके लिए जिम्मेदार है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जिम्मेदार है तो तभी जिम्मेदार होगा अगर उसके नॉलेज में हुआ है तो अगर उसको पता ही नहीं है डायरेक्टर्स लोगों ने उस उन उसके साथ आ, डायरेक्टर्स लोगों ने उसके साथ जो है गलत काम किया है मतलब उसको बताया नहीं छुप छुप के काम किया है तो उसको अगर कोई नॉलेज नहीं है तो तब तो जाके वो लाइबल नहीं रहेगा लेकिन अगर उसका नॉलेज में हुआ है कोई भी चीज़ गलत चीज़ तो वो लाइबल है ठीक है एट सो ब्रोड प्रोसेस एंड विच हिज कंसेंट उसके कंसेंट के आ, बाद ही हुआ है वो वैसा कोई कांड कन्वीनियंस और ही हैड एक्टेड डिलीजेंटली ठीक है या तो एक तो है कि आपके नॉलेज में था आई एक देखो वेर ही हैड नॉट एक्टेड डिलीजेंटली ठीक है आपके नॉलेज में था कि ये काम हो रहा है लेकिन आपको पता ही नहीं था कि ये काम गलत है किसी भी प्रकार से अगर तुम प्रूफ कर पा रहे हो तो आप दिक्कत में नहीं हो लेकिन अगर आपने डिलीजेंटली काम नहीं किया है आपके नॉलेज में था लेकिन फिर भी आपने किया है कोई भी गलत काम ठीक है तो आपका जो है आप एक्सक्लूसिवली जो है लाइबल रहोगे हेल लाइबिल्फ ठीक है कोई भी एक्ट कोई भी ओमिशन उसके बाद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन सिक्स सेवन ऑफ सेक्शन वन फिफ्टी टू इंस्पेक्ट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाई रोटेशन शेल नॉट बी एप्लीकेबल इसका मतलब यह तो सेक्शन वन फिफ्टी टू में ये जो डायरेक्टर्स रोटेट होते हैं ना रोटेशन ऑफ डायरेक्टर वो हम लोग करेंगे अलग अलग से अलग से टॉपिक आएगा वो तो वो एप्लीकेबल नहीं है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर uh, रोटेशन ऑफ डायरेक्टर एप्लीकेबल नहीं है इस बात का ध्यान रखना है रोटेशन ऑफ डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के ऊपर जो है नहीं है लागू उसके ऊपर ठीक है तो आई थिंक ये ख़त्म हो चुका है शायद हाँ ये इसके साथ ना ये सेक्शन 149 पूरा ख़त्म हो जाता है पूरा सेक्शन 149 मैंने पूरा करवा दिया आपको जितना भी सेक्शन 149 में है उतना मैंने करवा दिया तो आपको टेंशन लेने वाली कोई ज़रूरत नहीं उसके बाद जितने भी सेक्शंस आएंगे वो करेंगे हम लोग धीरे धीरे करके बहुत सारे सेक्शन करके अब तो शुरुआत है धीरे दे, धीरे देखो कंपनी लॉ ऐसे मैं करवा दूंगा ना आप लोगों को कि ज़िंदगी में कंपनी लॉ भूलोगे नहीं चलो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं वीडियो को जरूर लाइक करते हैं सब्सक्राइब कर देना चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो थैंक यू सो मच एवरी वन हैप्पी लर्निंग गाइज बाय टेक केयर